साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कई विद्यार्थी जो JSA के हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिए। सारी सूचनाएं आपको JSA की टाइपिंग से संबंधित यहीं मिलती जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। देखिए, थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आइडिया आपको, जो भी आपका प्रश्न है उसमें आपको बता देता हूँ। सबसे मुख्य जो प्रश्न है आपका वो है कट ऑफ का। सर, कट ऑफ कितनी गई है? जो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा थोड़ा सा जो मुझे प्राप्त हुए हैं, जो बच्चों के जो अंक हैं उसके आधार पर जो है ESM है, ESM के 85 जो बाला बालक है उसका सिलेक्शन हो चुका है, तो लगभग 85 के आसपास ESM की कट ऑफ। OBC की बात करूँ तो 96 जो है, 96 वाले विद्यार्थी का मैसेज आया कि सर 96 मेरे नंबर थे और मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है। जो जनरल के विद्यार्थी है उनका 97.5 एक विद्यार्थी के थे, उसका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो लगभग ये क्राइटेरिया है कि इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। SC के जो विद्यार्थी हैं, 96.5 वाले का मेरे पास मैसेज आया कि 96.5 मेरे थे, मेरा SC कैटेगरी में सिलेक्शन हो चुका है। तो ऐसे ये विद्यार्थी और इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि ये विद्यार्थी है, अभी विद्यार्थियों ने झूठ बोला है क्या बोला है इसके आधार, ये तो इनको ही पता, लेकिन लगभग जो है कट ऑफ आपकी इसके आसपास रहने वाली है। तो भी कट ऑफ आपकी निश्चित रूप से ज़्यादा ही गई है। खैर, इसमें अभी आपके पास ये है कि आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ टाइपिंग के लिए आपके क्या क्या चाहिएगा। आपको 35 की जो है टाइपिंग की स्पीड मांगी बहुत कम समय में, तो जो विद्यार्थी टाइपिंग को क्वालिफाई भी कर जाएगा वो निश्चित रूप से सिलेक्शन लेकर जाएगा। इसलिए जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन हो चुका है वो टाइपिंग में अपनी पूरी मेहनत लगा दें। ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 15-20 फरवरी के आसपास आपको टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, मात्र 20-25 दिन ही आपके पास समय है। आप इसमें अपना जो कुछ भी सब कुछ आपको यहाँ पर देना है, पूरा समय जितना हम पढ़ाई को देते हैं उतना ही आपको टाइपिंग प्रैक्टिस में देना है। टाइपिंग प्रैक्टिस आपको पता है वही SSC CHS जो CHSL है उसके जो सॉफ्टवेयर है उसी के आधारित आपके सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग आपका टेस्ट होने वाला है। तो आप उसकी अच्छी से तैयारी, उसके अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। लगभग 2600 जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिफाई किया गया है, और आपकी जो पोस्ट है उसके आधार पर आप देख लीजिए कितना गुना है। तो ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है, कंपटीशन टफ है, आपको जो टाइपिंग में है उसको क्वालिफाई भी कर जाओगे, क्योंकि काफ़ी टफ जो है आपकी टाइपिंग है, क्वालिफाई करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी समय जाया न करें और अपनी टाइपिंग में लगे रहें। थैंक यू।